दोस्तों लगड़ बग्गा एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है जो कुत्ते के समान दिखाई देते हैं। हालांकि ये कुत्ते के परिवार से किसी भी रूप से संबंधित नहीं होते हैं। इन्हें पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खा जाते हैं और हड्डियां तक नहीं छोड़ते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं इस आदमखोर जानवर के बारे में। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों लगड़ बग्गे बड़े आकार का कुत्ते की तरह दिखने वाला एक मांसाहारी जानवर है, जिसे हाइना भी कहते हैं। लकड़ बग्गे कुत्ते या बिल्ली परिवार का सदस्य नहीं है, बल्कि उनका एक अलग परिवार है, हाइनिडी। दोस्तों हाइनिडी परिवार के चार सदस्य हैं, धारीदार लकड़ बग्गा, गीगली चित्तीदार लकड़ बग्गा, भूरा लकड़ बग्गा और एडर बुल्फ। लकड़ बग्गा के सबसे करीबी संबंधी मंगूज और मिर्कट है। लकड़ बग्गा पृथ्वी पर लगभग 24 मिलियन वर्षों से है। लकड़ बग्गा अफ्रीका और एशिया के सवाना घास के मैदान, उप रेगिस्तान, जंगल और पहाड़ों में पाए जाते हैं। इनकी उम्र औसतन 12 साल होती है, लेकिन वे 25 साल तक जीवित रह सकते हैं। नर और मादा लकड़ बग्गा एक जैसे दिखते हैं और उनमें समान गुप्तांग होते हैं, लेकिन वे हर्मेप्रोडाइट्स नहीं है। केवल मादा लकड़ बग्गा जन्म देती है। लकड़ बग्गा का आकार एक जैसा नहीं होता है, उनके आकार में काफी विविधता देखने को मिलती है। सबसे बड़े आकार का लकड़ बग्गा चित्तीदार लकड़ बग्गा है, जिसके शरीर की लंबाई 1.2 से 1.8 मीटर और कंधे की ऊंचाई 77 से 81 सेंटीमीटर होती है और उनका वजन 40 से 86 किलोग्राम होता है। लकड़ बग्गाओं के अन्य प्रजातियों के विपरीत मादा चित्तीदार लकड़ बग्गा नर की तुलना में ज्यादा भारी होती है। मादा चित्तीदार हाइना नर की तुलना में अधिक मस्कुलर और आक्रामक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मादाओं के शरीर में नर की तुलना में 3 गुना अधिक टेस्टोस्टेरोन होता है। दूसरा सबसे बड़ा लकड़ बग्गा ब्राउन हाइना होता है, जो 130 से 160 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और 34 से 72 किलोग्राम वजनी होता है। लकड़ बग्गा मुख्य रूप से निशाचर जानवर है, लेकिन कभी कभी सुबह के समय भी अपने मांद से निकल जाता है। चित्तीदार लकड़ बग्गा अपना 95% आहार जानवरों का शिकार कर प्राप्त करता है। धारीदार लकड़ बग्गा और भूरा हाइना मृत भक्षी होते हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। लकड़ बग्गा अपना खाना बर्बाद नहीं करता है, वह जानवर की हड्डी से लेकर खुर तक खा जाता है। लकड़ बग्गा अपना बचा हुआ भोजन जल विवर में छुपा कर रखते हैं। लकड़ बग्गा समूह में रहने वाला जानवर है, उनके समूह को क्लैन कहा जाता है। चित्तीदार लकड़ बग्गा काफी सामाजिक होते हैं और समूह में रहते हैं। इनके समूह में 40 तक सदस्य हो सकते हैं। एक लकड़ बग्गा का दिल समान आकार के स्तनधारियों से 2 गुना बड़ा होता है। दोस्तों चित्तीदार लकड़ बग्गा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। मादा लकड़ बग्गा सामान्यतः एक बार में 2 से 4 सावकों को जन्म देती है। जन्म के बाद लकड़ बग्गा के सावकों की आंखें 5 से 9 दिन तक बंद रहती है। 2 सप्ताह का होने तक सावक माद में ही रहते हैं, उसके बाद वे माद से बाहर जाने लायक हो जाते हैं। लकड़ बग्गाओं में केवल चित्तीदार और धारीदार लकड़ बग्गा ही आदमखोर होते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं, केन्या और तंजानिया के मसाई जनजाति के लोग अपने मृतकों को दफनाने के बजाय उनका शव लकड़ बग्गा के सेवन के लिए छोड़ देते हैं। लकड़ बग्गा मछली पकड़ने का तरीका जानते हैं। गर्मियों के मौसम में उन्हें उथले पानी में से मछली पकड़ते हुए भी देखा गया है। प्राचीन मिस्र में लकड़ बग्गा को पालतू बनाया जाता था और उसका मांस भी खाया जाता था। दोस्तों राष्ट्रीय वन्य जीव फाउंडेशन के अनुसार वर्तमान में दुनिया में लगभग 10,000 परिपक्व वयस्क लकड़ बग्गा हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।